हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राकेश टेकवाल। मैं हूं राकेश। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसी का भी आईपी एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आईपी एड्रेस कितना जरूरी होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो आप घर बैठे अपने किसी भी फैमिली का, किसी भी फ्रेंड का, यानी जिससे भी आप चैट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उसका आईपी एड्रेस आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इसी के बारे में। जानने के लिए देखते रहिए राकेश टेकवाल। तो अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, फिर बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या आप आईपी एड्रेस किसी का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद गूगल में आपको सर्च करना है आईपी लॉगर। आईपी लॉगर सर्च करने के बाद आपको ये ऊपर वेबसाइट आएगी iplogger.org, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर URL शॉर्टनर करके एक स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए या कोई भी इमेज का लिंक डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर google.com ही डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर देगा URL शॉर्टनर। तो इस लिंक को आपको अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को शेयर करना है जिसका भी आईपी एड्रेस आप लेना चाहते हैं। तो ये आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहें, मैसेज के थ्रू। आजकल इजी होता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं कि आपको ये बेनिफिट होगा, इस पर क्लिक करेंगे आपको ये मिलेगा। तो ऐसा कोई मैसेज बनाकर आप शेयर करेंगे जिससे कि यूजर जो है वो इस पर क्लिक करेगा ही करेगा। तो एक बार ये क्रिएट करने के बाद आपको जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक लॉग क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये सैंपल के तौर पर अपने ही कंप्यूटर पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लॉग्ड आईपी में। लॉग्ड आईपी में आपको दिखाई देगा यहाँ पर आईपी एड्रेस, क्या मेरी सिटी है, क्या रेफर पेज है। तो ये सब चीजें आपको दिखाई देगी जिससे कि आप आईपी एड्रेस इजीली यहाँ पर ले सकते हैं किसी भी बंदे का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल कम बैक विद सच टेक फॉर मोर टेक वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।